ये वर्क जो है 16 अप्रैल को कराया जा रहा है, ठीक है। अब इससे पहले जो क्वेश्चन बताया गया था वो जीरोस को लेकर के बताया गया था। इस पीएलसीआरटी से हट करके कुछ क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन भी लिए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको देख लीजिए कैसे क्या होता है। जैसे क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल्स fx इक्वल टू 2x² + 5x + k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 21/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया जिसमें ये कंडीशन दे दी गई, कंडीशन के साथ है क्वेश्चन कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा ये 21/4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसके हिसाब से हमें के की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। आइए इसको सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे fx, fx इक्वल टू 2x² + 5x + k, ये लिखा हुआ है राइट। अच्छा, जो हमारा इक्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये है कि fx जो है जो पॉलिनोमियल्स बनता है जिसमें अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए रहते हैं, उससे जो पॉलिनोमियल बनता है वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका, ठीक है। तो ये जो हमारा fx है इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए 2x² है लेकिन यहाँ क्या है, खाली x² है, तो यानी कि हमें इस 2x² को x² में बदलना होगा। तो इसको बदलने के लिए क्या किया जाए, 2 से अगर हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो यहाँ x² बचेगा, तो वही काम किया गया कि 2 से डिवाइड कर दिया गया तो आया ये x² + 5/2x और +k/2। अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमें अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या मिल रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन +5/2 है, यहाँ माइनस है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -5/2 हो गया। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा k/2 है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, k/2 हो गया। अब आप एक चीज जानते हैं कि हमें जो है k की वैल्यू पता करनी है, तो अब जो ये इतना करने वाले ये कंडीशन पे आएंगे कि कंडीशन क्या है, जैसे लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो आप देखिए कि आप 9th स्टैंडर्ड में जाएंगे देखेंगे कोई फार्मूला a+b² मिलता है तो उसमें ये चीजें हमें दिखती हैं। तो जैसे हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यानी a+b² बना। अब इसमें जो 2 अल्फा बीटा है इसको हम अलग अलग लिख देंगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, यानी एक और एक क्या 2 हो जाएगा, और ये ऐसे ही लिखा हुआ है। इसको इसलिए लिखा गया क्योंकि हमें इस फॉर्म में ये वैल्यू दी हुई है। अब आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जो ये दिया हुआ है इसका एक अल्फा बीटा अगर ले लीजिए तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 21/4 जो कि दिया हुआ है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा को हम यहाँ से ले लेंगे, ये k/2 है, यहाँ k/2 रख दिया गया, और यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है बेटा, वो दिया है -5/2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, -5/2 ये दिया है, इसको यहाँ रख देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 25/4, और माइनस एक प्लस हो ही जाता है, और 21/4 हो गया, +k/2 हो गया। इसका ट्रांसफर करेंगे तो 25 से 21 माइनस होगा, 4/4 आएगा, 4 कट जाएगा, 1/1 बचेगा, इक्वल टू k/2, यानी k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 2 आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि सेम क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स fx, ये fx का पॉलीनोमियल दिया हुआ है, अल्फा बीटा इसके जो है क्या है जीरोस है, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। तो एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है, यानी कि इक्वेशन बनाना है जिसके जीरोस ये हैं, दोनों दिए हैं, तो इसको आप कोशिश करिए और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी वही इसी तरीके का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स fx इक्वल टू 2x² - 5x + 7, ये fx दिया हुआ है, तो इसका जो है ये पूछा रहा है कि फाइंड ये पॉलीनोमियल्स, ये पॉलीनोमियल आपको बनाना है जिसके जीरोस 2α + 3β एंड 3α + 2β है, राइट। तो ये दो जीरोस अल्फा और बीटा के फॉर्म में दिए हुए हैं, दो जीरोस इसके दिए हैं, तो आप देखिए जैसे दो जीरोस दिए हैं तो इनका सम ऑफ जीरोस पता कर लेंगे, तो जब सम ऑफ जीरोस है तो एक ये हो गया कि ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा इस फॉर्म में आएगा 5α + 5β, 5 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, तो इसका एक इक्वेशन हम डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है ये मिलेगा, इस तरीके से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक क्वेश्चन 2 डाल देंगे। अब देखिए ये और ये इसका जो है इंपॉर्टेंस बनेगा अभी, लेकिन इससे पहले हम आइए यहाँ पे फिर से चलते हैं उस पर, अपने क्वेश्चन है
कि एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन दिया हुआ है, तो वही एक बात आ गई कि इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए सिर्फ। तो यहाँ टू है, टू से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो ये इक्वेशन बनेगा जो डिवाइड करने पर। अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, फाइव बाई टू आ रही है। अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, सेवन बाई टू आ रहा है। अब इन दोनों इसका एक अलग इक्वेशन लिखेंगे ए और बी, क्योंकि इसका यूज करना होगा। फिर आप एक आइडेंटिटी में आएंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू हमें मिली जो आई हमारी माइनस थ्री अपॉन फोर, इसको हमने सी लिख दिया। ठीक है, अब इन ए बी और सी का जो है हम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में यूज करेंगे। तो हम जैसे ही दोनों में यूज करेंगे तो हमें जो है सम ऑफ जीरोज मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ये जो है मिलेगा। तो मतलब ये सम ऑफ जीरोज था लिखा और इसकी वैल्यू ये आई थी, इसमें अल्फा प्लस बीटा पता करना था, अल्फा बीटा हमको मिल गया अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 5 बाई टू आएगा, यहाँ रख देंगे तो सम ऑफ जीरोस हमारा आ गया 25 बाई टू आ गया। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो था वो अल्फा इंटू बीटा था। ठीक है, ये जो आपने लिखा है तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे ए बी सी में, जिसमें भी सारे क्वेश्चन लगाएंगे और रखेंगे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी 41। अब एक सम ऑफ जीरोज आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, भैया एक पॉलिनोमियल में रख दीजिए, आपका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, ओके, थैंक यू।